गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के रियल नंबर से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक टू फाइंड HCF एंड LCM ऑफ टू और मोर इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि पहले HCF और LCM होता क्या है। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका डेफिनेशन होता है द लार्जेस्ट नंबर विच exactly divides two or more given positive integers is called HCF. It is also known as GCD, that means greatest common divisor, not if A and B are any two positive integers, then their HCF is written as HCF A comma B. आइए अब इसको जब निकालना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से जो भी इंटीजर्स दिया हुआ होगा उस इंटीजर्स का हम पहले जो है फैक्टराइजेशन करेंगे, और फैक्टराइजेशन करने के बाद उसके जो कॉमन फैक्टर होंगे उस कॉमन फैक्टर का जो लिस्ट एक्सपोनेंट होगा उसको लिख करके हम मल्टीप्लाई करेंगे। That is HCF बराबर product of common factors, common prime factors with least exponents. दूसरा एप्लीकेशन आपका होता है LCM में। तो LCM मीन्स होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? द स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by two or more given numbers is called LCM. Not if A and B are any two
पॉजिटिव इंटीजर्स देन देयर एलसीएम इज रिटेन एज एलसीएम ए कॉमा। अब आप इस डेफिनेशन में पहले पहला डिफिनेशन हमारा था एचसीएफ का, तो एचसीएफ का है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स विच एग्जैक्टली डिवाइड्स टू और मोर गिवन पॉजिटिव इंटीजर। यानी जब दो नंबर दिया हुआ होगा तो उस दो नंबर में से वह नंबर लार्जेस्ट नंबर जो दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड्स करेगा उसको एचसीएफ कहेंगे। और जब एलसीएम का केस होगा तो एलसीएम में जो है वह स्मॉलेस्ट नंबर जो दिए गए नंबर से एग्जैक्टली जो है डिविजिबल होगा वो आपका एलसीएम होगा। दैट इज एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। अब आप डिफिनेशन को राइट डाउन कर लीजिए तो फिर हम इस पर बेस्ट प्रॉब्लम जो है सॉल्व करके देखेंगे। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड find the HCF and LCM of 510 and 92। ये आपका NCERT का प्रॉब्लम है जिसमें कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके 510 और 92 का HCF निकालिए। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा जिसमें हमको HCF और LCM कैलकुलेट करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर्स जो है निकालेंगे और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहला नंबर हमारा है 510, तो 510 जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए इसका लास्ट डिजिट जीरो है, यानी ये इवन नंबर है तो इवन प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको टू से डिवाइड करेंगे, तो 510 को टू से जब डिवाइड करेंगे तो 52 से जो है टू टाइम्स में डिवाइड होगा, 52 या 4, वन रिमाइंडर बचेगा, वन उस पर राइट डाउन करेंगे 11 होगा, 25 या 10, फिर वन रिमाइंडर बचेगा, जीरो आएगा 10 होगा, फिर 25 या 10, यानी 255 आ गया। अब 255 जो है आपका ऑड नंबर हो गया, तो ये जो है इवन प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, तो अब इसको ऑड प्राइम नंबर, तो 2 के बाद ऑड प्राइम नंबर आपका 3 आता है, तो अब 3 से इसको चेक करेंगे। तो इसका डिजिट जो 255 है इसका सम करेंगे तो 5 5 10 और 2 12 होगा, तो डिजिट का सम जो है 3 से डिविजिबल है, इसलिए नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा 24, वन रिमाइंडर बचेगा, 5 राइट डाउन करेंगे 15 होगा, तो 3 5 जा 15। अब ये आपका 85 आ गया, तो जिसका लास्ट डिजिट 5 होता है वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है, तो फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा, और 17 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। देयरफॉर 510 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3
मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70। अब आपका दूसरा नंबर जो था वो 92 था, तो 92 जो है इवन नंबर है, तो इसको 2 से हम पहले डिवाइड करेंगे, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 46 को, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 23 जो है 23 से 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो 92 का फैक्टराइजेशन आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। देयरफॉर रिक्वायर्ड HCF इक्वल्स टू, तो HCF में क्या था कि HCF में जो भी कॉमन फैक्टर्स होगा उसके लीस्ट पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 510 के कॉमन फैक्टर में का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें भी 2 है, और 92 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें भी 2 है, तो 92 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें भी 2 मिल गया आपको, और 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 2 मिल गया, तो कॉमन फैक्टर आपका केवल 2 हो गया, और इसमें एक ही कॉमन फैक्टर है इसलिए 2 आपका जो है HCF हो जाएगा। अब आइए LCM की तरफ, रिक्वायर्ड LCM इक्वल्स टू, तो LCM में क्या होता है कि जो भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनके हाईएस्ट पावर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें पहला जो नंबर 510 था इसमें प्राइम फैक्टर है 2, 3, 5 और 17, और दूसरा जो नंबर है उसमें प्राइम फैक्टर है 2, 2 और 23, यानी टोटल प्राइम फैक्टर्स हमारा हो गया 2, 3, 5, 17 और 23। अब इसमें 2 जो है वो मैक्सिमम जो है 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम पावर 2 स्क्वायर होगा, 3 जो है मैक्सिमम 1 टाइम्स है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 ही रहेगा, 5 1 टाइम्स है तो मैक्सिमम वैल्यू 1 ही रहेगा, 17 और 23 1 टाइम्स है तो मैक्सिमम वैल्यू 1 ही रहेगा। तो अब इस सारे फैक्टर को हम लिख करके जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट हमारा आंसर होगा, और इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 23460, ये आपका आंसर हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लें, तो फिर हम लोग जो है अब इस HCF और LCM में क्या रिलेशन होता है और उसके रिलेशन पर बेस्ट प्रॉब्लम कैसे बनेंगे उसको देखेंगे। आइए NCERT के एग्जाम्पल का एक और पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड HCF एंड LCM of 672 and 120। और जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है हम लोग डिवीजन मेथड से भी निकालते हैं और फैक्टर ट्री मेथड से भी निकालते हैं, तो अगर इसमें रहता यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120, तभी दोनों क्वेश्चन सिमिलर हो जाता। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, तो पहले हम क्या करेंगे कि फैक्टर ट्री मेथड से या डिवीजन मेथड से तीनों नंबर का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहला नंबर हमारे पास 6 था, तो 6 का जब हम फैक्टर ट्री मेथड से फैक्टराइजेशन करेंगे तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 हुआ, और 2 से 6 जो है 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, दैट मीन्स 6 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3। दूसरा नंबर हमारा जो है वो 72 था, तो 72 को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो दूसरा फैक्टर 36 आएगा, 36 आपका कंपोजिट नंबर है,
अब फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। अब 2 और 18 में 18 कंपोजिट नंबर है, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। 9 जो है आपका कंपोजिट नंबर है और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। यानी 72 जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तीसरा नंबर है हमारा 120। तो 120 को हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 टाइम्स में डिवाइड होगा। 60 यहाँ पे कंपोजिट नंबर आ गया, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 टाइम्स में डिवाइड होगा। फिर 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 टाइम्स में डिवाइड होगा। 15 जो है आपका ऑड प्राइम नंबर आ गया, अब इसको ऑड कंपोजिट नंबर से डिवाइड करेंगे तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में डिवाइड होगा। यानी 120 जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब यहाँ पर जो है 2 जो है मैक्सिमम 3 टाइम्स आया, यानी 2 का पावर 3 हो गया। 3 जो है 2 टाइम्स आया तो 3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 2 जो है 3 टाइम्स आया तो ये 2 का क्यूब हो गया × 3 × 5। देयरफॉर रिक्वायर्ड HCF इक्वल्स टू, तो HCF में क्या होता है कि जो भी कॉमन फैक्टर होता है उसके लीस्ट पावर को हम लिख करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। तीनों नंबर में जो है 2 दिया हुआ है तो 2 एक कॉमन फैक्टर हो गया। दूसरा कॉमन फैक्टर 3 है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद लीस्ट पावर लेना है। तो 2 का लीस्ट पावर 1 है और 3 का भी लीस्ट पावर 1 है। तो 2 × 3 = 6, ये आपका HCF हो जाएगा। और रिक्वायर्ड LCM क्या होगा, तो रिक्वायर्ड LCM में जो है जो भी फैक्टर्स होते हैं सारे फैक्टर्स के हाईएस्ट पावर को लिख करके मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें ऑल फैक्टर्स क्या क्या है, 2 है, 3 है और 5 है। एक फैक्टर 2 है, दूसरा फैक्टर 3 है और तीसरा फैक्टर 5 है। अब फैक्टर 2 जो है इसका मैक्सिमम पावर जो है 3 है। फैक्टर 3 जो है इसका मैक्सिमम पावर 2 है और फैक्टर 5 जो है उसका मैक्सिमम पावर 1 है। तो 2 का पावर 3 दैट मीन्स 8, 3 स्क्वायर दैट मीन्स 9 मल्टीप्लाई 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 5 = 40, अब 49 × 360, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से जब 3 नंबर्स दिया हुआ रहेगा तो उसका भी हम HCF और LCM जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसको राइट डाउन कर लें। इसके बाद हम इस पर बेस्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे रहे हैं, तब उसके बाद फिर हम लोग रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM देखेंगे। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स। आइए अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स। The product of any two positive integers is equal to product of their HCF and LCM. That means
फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई LCF। मैथमेटिकली इफ ए एंड बी आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा बी। ए मल्टीप्लाई बी हो गया और एच सी एफ ऑफ ए एंड बी दैट मीन्स एच सी एफ ए बी एंड एल सी एम ऑफ ए एंड बी मीन्स एल सी एम ए बी। ए जो है आपके रिलेशन का मैथमेटिकल फॉर्म हो गया और ए आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया जिसकी मदद से आप इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन पे बेस्ड जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए पहले देखें इसका प्रूफ कि कैसे ये रिलेशन आता है। एच वी नो दैट HCF is common divisor of each number। HCF जो होता है वो दिए गए टू और मोर नंबर्स का कॉमन डिवाइजर होता है। तो लेट ए एंड बी आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स दिस इंप्लाइज ए इक्वल्स टू तो ए क्या होगा तो एच सी एफ जो है उसका कॉमन डिवाइजर होगा तो एच सी एफ मल्टीप्लाई एक्स वेयर एक्स इज एन इंटीजर एंड बी इक्वल्स टू बी जो होगा उसका भी एक फैक्टर जो है एच सी एफ होगा तो ये हो जाएगा एच सी एफ ए बी इंटू वाई। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया वेयर एक्स एंड वाई आर सम इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ एलसीएम अब यहां पर दो इंटीजर ए और बी था तो इंटीजर ए का फैक्टराइजेशन हो गया एच सी एफ ए बी इंटू एक्स और बी का फैक्टराइजेशन हो गया एच सी एफ ए बी इंटू वाई। तो जब हमको एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम ए बी बराबर तो एलसीएम क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स विथ लीस्ट पावर सॉरी हाईएस्ट पावर। तो यहां पर ए और बी जो है इसके फैक्टर क्या क्या आ गए एलसीएफ ए बी एक्स और वाई तो एलसीएम आपका हो जाएगा एचसीएफ ए बी मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। ये हो गया आपका इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट अब वन और टू को मल्टीप्लाई करने पर क्या रिजल्ट आएगा ए मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू एच सी एफ मल्टीप्लाई एच सी एफ सॉरी एच सी एफ
ए बी मल्टीप्लाई एच सी एफ ए बी मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई. दिस इंप्लाइज ए मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू एच सी एफ ए बी मल्टीप्लाई. और इक्वेशन थ्री जो है इसमें आया है एच सी एफ ए बी मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई इक्वल्स टू एल सी एम ए बी. तो हम यहाँ पर एच सी एफ ए बी मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई के जगह पर राइट डाउन कर सकते हैं एल सी एम ए बी. और यहाँ पर जो है इसका मैथमेटिकल फॉर्म था रिलेशन का ए मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू एच सी एफ ए बी मल्टीप्लाई एल सी एम ए बी. अब आपका ये रिजल्ट जो है प्रूव हो गया. अब इस रिजल्ट के आधार पर कुछ फार्मूला जो है अराइज होंगे, तो पहले आप इस प्रूफ को राइट डाउन कर लें, तो फिर हम वो फार्मूला बताते हैं क्या क्या फार्मूला इसमें बनेगा और उसका कैसे एप्लीकेशन करेंगे. अब जो रिलेशन था उससे डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला जो है अराइज होंगे. जो मेन रिलेशन था वो था फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एच सी एफ इंटू एल सी एम. तो इस फोर टर्म्स में से कोई भी अगर थ्री टर्म्स अगर नोन होगा तो फोर्थ टर्म को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए कि एच सी एफ और एल सी एम दिया हुआ है और फर्स्ट नंबर दिया हुआ है और सेकेंड नंबर निकालना है, तो सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एच सी एफ इंटू एल सी एम बाई फर्स्ट नंबर कर देंगे, निकल जाएगा. अगर दोनों नंबर मालूम है और उसका एलसीएम मालूम है, एचसीएफ कैलकुलेट करना है, तो एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर बाय एलसीएम कर देंगे, कैलकुलेट हो जाएगा. अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर और एचसीएफ मालूम है, एलसीएम निकालना है, तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, कैलकुलेट हो जाएगा. आइए इस पर एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन देखते हैं. इफ एचसीएफ ऑफ 336 and 657 is 9, find LCM of 336 and 657. ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा जा सकता है, इफ एच सी एफ 636 657 इक्वल्स टू 9, देन फाइंड एल सी एम 336 एंड 657. तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, एल सी एम निकालना है. और यहाँ पे एल सी एम का फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाई एच सी एफ. We know that LCM equals to first number multiply second number by HCF. अब first number हमारा क्या है, 336. Second number क्या है, 657. By HCF क्या है, 9. अब इस 9 से जो है अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो 9 से 657 कट जाएगा, 9 7 जा 63, रिमाइंडर जो है 2 बच गया, 2 पे 7 राइट डाउन करेंगे 27 होगा, 9 3 जा 27. अब क्या करेंगे कि 336 को 73 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36 जा 18 कैरी 1, 33 जा 9 110 कैरी 1, 33 जा 9 110, 76 जा 42 कैरी 4, 73 जा 21 425 कैरी 2, 73 जा 21 एंड 2 23. ये आपको प्लस करने पर आ जाएगा 24528. ये आपका आंसर होगा. अब आप इसको राइट डाउन कर लें. आइए एक और प्रॉब्लम देखते हैं. इफ प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 24
एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज टू फाइंड द नंबर्स। अब यहां पर दोनों नंबर जो है हमको नहीं दिया हुआ है, केवल उसके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट और दोनों नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है। तो दो नंबर जो होगा उसमें से एक नंबर छोटा होगा और एक नंबर बड़ा होगा, तो लेट स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल्स टू एक्स, दिस इंप्लाइज लार्जेस्ट नंबर, दोनों नंबर का डिफरेंस 2 है, तो एक नंबर अगर x हो गया तो दूसरा नंबर हो जाएगा x प्लस 2। और हम रिलेशन क्या जानते हैं, वी नो दैट फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम। तो आपका फर्स्ट नंबर x है और सेकेंड नंबर आपका x प्लस 2 है और HCF और LCM का प्रोडक्ट आपका दिया हुआ है 24। अब ये आपका हो जाएगा x से x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x इक्वल्स टू 24। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x और 24 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस 24 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको जो है फैक्टराइज करके हम x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए जो मिडिल टर्म है उसको टू इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन करेंगे ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 6। इन दोनों में से जो है 4 कॉमन करेंगे तो भी हो जाएगा x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में x प्लस 6 कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आया, दैट मीन्स आइदर x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 अदरवाइज x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू माइनस 6। बट x इक्वल्स टू माइनस 6 इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि नंबर जो है x वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव आ गया x का वैल्यू, इसलिए पॉसिबल नहीं होगा। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लें। तो फिर इसके बाद हम एक और एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम देखते हैं। आइए एक और प्रॉब्लम देखते हैं यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic and HCF and LCM of 26 and 91. Hence, verify product of two numbers equals to their HCF into LCM। यहाँ पे दो नंबर दिया हुआ है 26 और 91, दोनों का HCF और LCM पहले कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करने के बाद फिर वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो है वो HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। तो पहले दोनों नंबर जो है, एक नंबर आपका 26 है, दूसरा नंबर 91 है, तो 26 और 91 दोनों का फैक्टर निकालेंगे। 2 से 26 को डिवाइड करेंगे 13 आएगा, 13 से 13 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो 26 का फैक्टर आपका हो गया 2 मल्टीप्लाई 13। 91 जो है
ये सेवन से डिविजिबल होगा, 13 7 जा 91, 13 जो है 13 7 टाइम्स में डिविजिबल होगा, तो 91 का फैक्टर हो गया 7 × 13। देयरफॉर रिक्वायर्ड एचसीएफ, तो एचसीएफ में क्या होता है कि जो स्मॉलेस्ट पावर होता है कॉमन फैक्टर का, तो कॉमन फैक्टर को लिख करके उसका जो है स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 26 और 91 दोनों में कॉमन फैक्टर आपका 13 है, तो ये आपका 13 जो है आंसर। एलसीएम इक्वल्स टू, एलसीएम में ऑल प्राइम फैक्टर्स को जो है हाईएस्ट पावर को लिख करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसमें ऑल प्राइम फैक्टर 2 7 और 13 है, तो 2 7 और 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 7 जा 14 14 3 जा 42 कैरी 4 14 जा 14 और 4 182, ये 182 आपका जो है एलसीएम। नाउ अब हमको वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालेंगे। तो पहला नंबर हमारा था 26, दूसरा नंबर हमारा था 91। अब 26 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे, 26 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 6 2 1 2 9 6 4 54 4 कैरी 5 9 2 18 5 23 6 6। इसको हम इक्वेशन 1 मान लो। ऑल्सो अब राइट साइड में एच सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम है, तो अब हम क्या करेंगे, एच सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम निकालेंगे। एल सी एफ हमारा कितना था, 13 था। एल सी एम कितना था, 182 था। 13 से 182 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट भी 2 3 6 6 के इक्वल आ जाएगा, ये सेकेंड हो गया। तो अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एल सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एफ। आपका क्वेश्चन जो है वेरीफाइड, आप इसको जो है राइट डाउन कर ले, तो फिर सिमिलर प्रॉब्लम जो है देखते हैं। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लें। अब अगले वीडियो में जो है हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।